बताइए, फोन करके लोकेशन बताइए, पुलिस आपके घर तक आकर उस समस्या को सुनेगी। लोग दारू पी के हल्ला वल्ला करते थे, उसके लिए हम लोग रहते थे, थूकन फेंके थोड़ते रहता है, इसके लिए कितना प्रशासन अपराधी को बुलाया जाए। पैसा पहले छीन कर हड़प लेता था, अब क्या है कि पैसा अकाउंट से ही निकल जाते हैं, अब डिजिटल तरीका से चोरी हो रहा है। आप लोग डरिए नहीं, आप लोग कोई समस्या है 112 नंबर जो है, 112 नंबर जो आपको 24 घंटा अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं सूरज ब्लॉग सपोर्ट। दोस्तों मैं इस वक्त शिवहर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत धर्मपुर गांव में आया हूं और यहां पे सर लोग कुछ जनता के लिए सुरक्षा के लिए कुछ अभियान चला रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा है अनामिका कुमारी, अभी मैं वर्तमान में पिपराही थाना में प्रतिनियुक्त हूँ सब इंस्पेक्टर के तौर पर। जी, और ये कौन सा अभियान चल रहा है? अभी ये चल रहा है, पुलिस सप्ताह चल रहा है जो प्रत्येक साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, एक सप्ताह के लिए अभियान है। इसका अभियान का थीम है जन जन की ओर बढ़ते कदम, मतलब कि हर गांव में जाकर हमको जनता के पास जाना है, उसकी समस्याएं को सुनना है। अच्छा। वो क्या बताएं, उनकी क्या समस्या है, पुलिस उनका काम कर रही है कि नहीं, सही से कर रही है, सुझाव भी देना है। अच्छा। कि अगर बिहार पुलिस में अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको कैसे वो निपटारा, मतलब सुधार करे। अच्छा। उसका सुझाव दीजिए, अगर कोई कमी रह गई उसको हम लोग नोट डाउन करके आगे तक इसको पहुँचाएंगे। अच्छा, तो इसमें क्या क्या जी सुझाव के बारे में क्या क्या जी बताएं? है कि आपको 112 क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। 112 नंबर जो है, 112 नंबर जो आपको 24 घंटा अवेलेबल है। अच्छा। आप कभी भी फोन करके आप अपनी समस्याओं को उस पर नोट डाउन करवाइए, फोन करके लोकेशन बताइए, पुलिस आपके घर तक आकर उस समस्या को सुनेगी। अच्छा। और इसमें क्या क्या जी सर, सारा कुछ हमको इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। इसके बारे में है कि एक प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, महिलाओं को सुनने के लिए, महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए बनाई जा रही है, जहाँ महिला कर्मी होंगी जो महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगी। और जो भी है जमीनी विवाद, जो भी खासकर गांव में ज्यादातर जमीनी विवाद ही चलते हैं, उसके कारण मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज होता है, उसके लिए हर प्रत्येक शनिवार को बैठक की जाती है सीओ थाना प्रभारी के समक्ष। तो आप वहां जाइए, अपना आवेदन दीजिए, अपने जो भी कागजात के साथ उसको रिप्रेजेंट कीजिए और अपनी जो भी शिकायतों है उसको दर्ज करवाइए और निपटारा करवाइए वहीं पर। और इसमें जो देखते हैं कि गांव में ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि लोग दारू पी के हल्ला वल्ला करते थे, उसके लिए भी है, शराबबंदी के लिए भी है, 15545 नंबर है। अच्छा। इस नंबर पे आप कॉल करके सूचना दीजिए कौन व्यक्ति है, कहाँ शराब बेच रहा है और कहाँ है, उसका नाम पता नोट करवाइए। अच्छा, ऐसा कि मान लीजिए कोई गाँव का आदमी होंगे जो डरते होंगे, मान लीजिए कि मतलब कॉल करेंगे आपको पुलिस को, तो जो दारू पीते होंगे उनसे डरते होंगे कि तो उनके लिए नहीं नहीं, वो डरने की जरूरत नहीं है, ये आपका नाम गोपनीय रखा जाएगी। जी, गोपनीयता रखी जाएगी। आप सूचना दीजिए कि ये कारोबार कहाँ हो रहा है, कौन है जो बेच रहा है, जिसके कारण ये सब पीकर आते हैं घर पे, गाली गलौज मारपीट करते हैं, जितना पैसा कमाते नहीं उससे ज्यादा पैसे इसी में खर्च कर देते हैं, ये जो आदत है उसको सुधार होगा। और आप देख रहे की जो सिक्योरिटी, जैसे की साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए साइबर के लिए भी अब क्या है, नया स्कीम आ गया है, पैसा पहले छीन कर हड़प लेता था, अब क्या है कि पैसा अकाउंट से ही निकल जाते हैं, अब डिजिटल तरीका से चोरी हो रहा है, डिजिटल तरह से साइबर की तरह से हो रहा है, साइबर ठग हो रहा है, ठगी हो रही है। उसके लिए भी अब शिवहर जिला में भी एक साइबर अपराध थाना बनाया जा रहा है, उसके लिए भी अलग कर्मी रहेंगे, सब इंस्पेक्टर जो रहेंगे उनके इंचार्ज रहेंगे। आपका जो भी साइबर से रिलेटेड जो भी है केस है, आप वहाँ जाइए दर्ज करवाइए। कि देखते हैं कि कोई समस्या हो जाता है गांव में, तो लोग पब्लिक कॉल करते हैं पुलिस को तो टाइमली नहीं आते हैं, तो उसके लिए क्या नहीं नहीं है? उसके लिए भी टाइम से आएंगे, इसी के लिए 112 है, आप कॉल कीजिए वो तुरंत आपके घर तक पहुंचेगी। ये नया स्कीम बना है, ये इसी के तौर पे आप 112 पे डायल कीजिए, लोकेशन अपना सेंड कीजिए, आपके घर तक आएगी पुलिस, तुरंत आएगी, एक एक्शन लिया जाएगा उसके लिए। ये पुलिस सप्ताह, हाँ पुलिस वीक चल रहा है, मेन यही है, मोटिव मेन यही है। आपका जो सुझाव वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, जो आप सुझाव दीजिएगा उसमें वो सुधार किया जाएगा। और आप लोग कोई समस्या है जैसे कि गांव में चल रहा होता है, तो आप इनसे कहिए ये आपके समस्या समाधान करने के लिए आए, आप लोग डर, आप लोग डरिए नहीं, तो आप लोग कोई समस्या है? नहीं, मेरे पास अभी कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपके पास नहीं सर, आपके गांव में किसी के पास भी हो? अच्छा, जैसे कि स्कूल उसे जैसे पढ़ाई उड़ाई नहीं होता होगा? अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो ये ऐसे आप कर सकते हैं कंप्लेन यहाँ पे, मतलब आपके गाँव में जो भी समस्या है, थोड़ा भी कोई हल्ला वल्ला कर रहा है, जो समस्या है जो सुरक्षा से संबंधित है, जो हम लोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या है तो आप उसको बताइए, सुरक्षा समय जितना भी कोई भी काम
में केस हुआ, आपका काम सुनवाई नहीं, जैसे कि जमीन के लफड़ा हो गया, मारपीट हो रहा है फालतू में, फिर कहता है जमीन के लिए कितना आदमी मर जाता है उसमें, तो उससे बचाव के लिए सर यहाँ पे आए आप लोगों को सुरक्षा देने के लिए। तो ऐसा मेरे पास अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आप लोगों को कोई समस्या भी है आप लोग गाँव में? आप लोगों को समस्या भी है? कोई भी समस्या हम लोग के नहीं है। अरे गांव समाज में तो हम लोग रहते थे, थूकन फैयत होते रहता है, तो इसके लिए कितना प्रशासन अपर भारी को बुलाया जाएगा। हाँ ये बात है। हाँ जो छोटा मोटा समस्या है वो खुद से निपटारा कर लेते हैं। दो व्यक्ति है उसको तो पटरी बैठे ना करता, हम लोग तो समाज के रहने वाले तो थोड़ा बड़ा होते रहता है। पुलिस जन सप्ताह चल रहा है जिनके तरह जिनके द्वारा जो हमारे पब्लिक है उनको सुझाव दे रहे हैं कि कोई प्रकार की परेशानी भी है तो इनके समाधान करने के लिए सर यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई तरह की आपको परेशानी हो, कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वो सर को जो लिफाफा दिया गया है, जो प्रोस्पेक्टस मिला है, तो आपके स्क्रीन पर लगा देंगे, सारा नंबर लिखा हुआ है। साइबर क्राइम से लेकर हो या कोई दारू पी के हल्ला करते हैं तब हो या कोई ज़मीनी मामला हो, सारा को निदान करने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया, टोल फ्री नंबर, आप उन पर संपर्क करके और पुलिस तक पहुँच सकते हैं।